आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। मानी मति सरी मदनी मरिदनी वीरी है, जो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरणी तारणी भव निवारणी भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर है। बोलिए चौबीसों भगवान की, बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, लगा आप जाग रहे हैं, बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्वनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री सनमती सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। दिवाली थी, कितनी तैयारी करी, नए कपड़े खरीद के लाए, जितना नया से नया पहन सकते थे नया पहना, और कल नया वर्ष भी था, आज से नया वर्ष लग गया, 2544 लग गया आज से, है ना, नया वर्ष, कौन सा वर्ष, नया, कुछ नया लग रहा है आपको, कुछ नया लग रहा है आपको, क्या नया लग रहा है, बस एक दिमाग में है कि नया वर्ष लिख दिया बस, बाकी सारी दुनिया पुरानी है, सूरज पुराना, चांद पुराना, धरती पुरानी, तुम्हारी भाषा पुरानी, तुम्हारी सोच पुरानी, सोच पुरानी का मतलब ये मत समझना कि आप लोग मॉडर्न बन के रह रहे तो वो आप नए हो गए ना, क्रोध तो वही है ना, मान तो वही है ना, मायाचारी भी वही है, लोभ भी वही है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी वही है, आपने इंग्लिश में बोल लिया तो नया थोड़ी हो जाएगा, सोच भी पुरानी, सास बहू की वही बुराई भी पुरानी, जो चतुर्थ काल की सास बहू की बुराइयां चलती थी वो अभी भी चलती है, जो पति पत्नी के झगड़े चलते थे वो अभी भी चलते हैं, चल रहे नहीं चल रहे हैं, जो बच्चों को डांटना, जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें डांटा वही तुम अपने बच्चों को डांट रहे हो, जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो अपने बच्चों को डांटेंगे, बताइए नया क्या है, नई डिश बनाइए नई डिश, अरे क्या नई डिश, चीज तो पुरानी है, उसका इसमें मिला दिया इसका उसमें मिला दिया तो नया बन गया, नहीं मटेरियल तो सारा पुराना है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है, जब दिवाली आती है किसी शादी में जाते हैं नए कपड़े का बड़ा क्रेज होता है, नए कपड़े पहनना है, नया ये करना है, नया वो करना, बड़ी उमंग रहती है, लेकिन आप विचार करो क्या कपड़े नए हैं, आप जिस दिन कपड़ा खरीद के लाते हो आपके हिसाब से कपड़ा नया है, लेकिन दुकान में कितने दिनों से रखा है, मिल में कितने दिन तक रखा रहा, क्या वो पुराना नहीं हुआ, हो गया ना पुराना, आप लाके क्या कहते हो, नया है, वो जिस दिन मिल से निकला था मशीन से निकला था उसी दिन से पुराना होना शुरू हो गया था, फिर भी हमारी संतुष्टि, नया कपड़ा है, नई साड़ी है, नई ज्वेलरी है, नया नया आइटम है, नई डिजाइन है, अरे कहाँ से नई डिजाइन लाओगे, कहाँ से, यहाँ से, पहले लोग सिले हुए कपड़े पहनते थे अब फटे हुए पहनने लगे, क्या नया, इसमें नया क्या हुआ, बस इतना था पहले फटे उतार देते थे और बिना फटे पहन लेते थे, अब फटे को बिना फटे को फाड़ लेते हैं फिर पहन लेते हैं, नया क्या इसमें, इधर से काट लिया उधर से कोना निकाल दिया इधर से कोना निकाल दिया, क्या नया इसमें, कोना ही तो निकला है कपड़े को, कहीं कपड़ा तो पुराना ही है ना, यानी अपने आप को नया बताने के लिए आदमी ना जाने क्या क्या कर रहा है,
नया रिकॉर्ड बनाने के लिए ना जाने कितना दिमाग लगा रहा है, जबकि उसे पता है कि दुनिया में नया कुछ भी नहीं है। आप कहते हो ताज़ा पानी, बिल्कुल ताज़ा पानी शुद्ध पानी है। अब ये बताओ वो पानी ताज़ा है क्या? पानी कहीं से नया बन के नहीं आ रहा है। बारिश हुई, जमीन में आया, तुमने उसे ग्रहण किया या वो फैल गया, फिर वो ऊपर चला गया, फिर वापिस आ गया, फिर चला गया ऊपर, फिर वापिस आ गया। पानी नया है क्या? नहीं है। तुम मकान बनाते हो, नया मकान, मिट्टी कहीं से नहीं लाए थे क्या? सीमेंट कहीं से नहीं लाए थे क्या? सब इसी धरती की तो है ना। धरती कितनी पुरानी है, अनादि अनिदन है। कब की है धरती? अनादि अनिदन, वो भी पुरानी है। नया मकान, कितना नए का कितना क्रेज होता है। नया वर्ष, अभी देखना जनवरी आएगा, क्या फटाके फूटेंगे, क्या खुशियाँ होंगी। बल्कि नया वर्ष तो हमारे हिसाब से आज है। भगवान कल मोक्ष गए हैं, आज से नया वर्ष शुरू हो गया है, तो नया वर्ष आज है। और वैसे काल तो पुराना है, काल तो पुराना है। यही समय किनके समय में था? भगवान आदिनाथ थे तब भी यही काल था, जिस समय महावीर भगवान थे तब भी यही काल था, राम रावण थे तब भी यही काल था। परिवर्तन, काल का काम है प्रतिक्षण परिवर्तित होना। वो नया पुराना नहीं होता, वो जो है वो है। लेकिन भगवान महावीर मोक्ष गए तो हमारे हिसाब से हमने नया बना दिया। विक्रमादित्य का काल जो होते विक्रम संवत, तो उनने विक्रम संवत के हिसाब से बना दिया। विक्रम संवत के पहले क्या पहले कभी काल नहीं था? हिजरी संवत के पहले कभी क्या काल नहीं था? वीर संवत के पहले क्या काल नहीं था? काल तो था, हमने अपना शुरू वहां से किया है, हमारे हिसाब से नया हो गया। बल्कि काल तो पुराना ही है। आत्मा नई है कि पुरानी है? आत्मा पुरानी। शरीर नया है कि पुराना है? अरे इस शरीर में जितने परमाणु हैं, इस शरीर में जितने परमाणु हैं, इन परमाणुओं को ना जाने हम कितने बार ग्रहण करके छोड़ चुके हैं। मिट्टी से अनाज पैदा होता है ना, अनाज पैदा हुआ, तुमने लिया, किसान ने कुछ बचा लिया, वापस उसमें डाला, फिर अनाज पैदा हो गया, फिर कहाँ से आ रहा? सब ऊपर नीचे हो रहा है सारा मामला, एक साइकिल चल रही है। और हमें दिमाग में नया नया नए कपड़े ना मिले दिवाली में, कलेश कर दोगे घर में। नई ज्वेलरी ना मिले दिवाली पर, कलेश हो जाएगा घर में, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। बच्चों को नए कपड़े ना मिले, रो रो के घर भर देंगे, नए कपड़े खरीदो मेरे लिए। यानी पता नहीं नए का कितना क्रेज है। बल्कि नया आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया आज तक नया काम। एक काम है नया जो भगवान महावीर ने किया था और तुमने नहीं किया है। उन्होंने किया तो वो भगवान बन गए, तुम नहीं कर रहे इसलिए अभी नए और पुराने के चक्कर में घूम रहे हो। एक काम है नया, वो है धर्म करना। एक काम है नया, वो है आत्मा का ध्यान। बाकी सब काम पुराने, एक भी काम नया नहीं है। इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म में किया होगा। पिछले जन्म में क्या खाया पिया नहीं? कितने जन्म से खा रहे हो? अनंत काल से खा रहे हैं, अनंत काल से पी रहे हैं, अनंत काल से सो रहे हैं, अनंत काल से बोल रहे हैं, अनंत काल से घूम रहे हैं। कौन सा काम नया? आप यहां भी आए, नया है क्या? ये भी नया नहीं है। इस धरती पर ना जाने कितने बार आ चुके, पहले कभी? अभी लग रहा होगा नहीं, अभी आए हैं। पता नहीं अनंत काल से कहां कहां हम घूम चुके हैं। तीनों लोक में एक स्थान भी ऐसा बाकी नहीं है जहां हम नहीं गए हैं। और अभी भी वही चक्कर चल रहा है, अभी भी ये चक्कर छूटे नहीं है, इस चक्कर में फंसे पड़े हैं। ये इकट्ठा करने का काम, धन इकट्ठा करने का काम, जितना है संतोष रखो। ये धन इकट्ठा करने का काम आज पहली बार किया क्या आपने? पता नहीं कितने जन्म में इकट्ठा करा, छोड़ा, चल दिए, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर इकट्ठा किया, छोड़ा, चल दिए, फिर इकट्ठा किया, फिर छोड़ा, चल दिए। चूहे थे तो ऐसी जगह बिल बनाते थे जहां धन होता था।
चूहों में भी बड़ी आसक्ति होती है धन के प्रति, चींटियों में होती है। चींटी कितनी सी होती है? अरे बताओ ना, उंगली से बताओ, बहुत छोटी सी, इतनी सी होती है चींटी। आप 5 फीट के हैं, आपका पेट कितना बड़ा है? इतना बड़ा तो होगा ना, किसी का इतना बड़ा होगा, किसी का बाहर निकल गया होगा और बड़ा हो गया होगा, किसी का और बड़ा हो गया होगा। चींटी का पेट कभी बाहर निकलता है क्या? नहीं निकलता। कितना सा है चींटी का पेट? आपको इतना में, इतने पेट में खाने के लिए इतना चाहिए। उस चींटी को कितना चाहिए खाने के लिए? आपके चावल से एक चावल के दाने से आधा और आधा और आधे में उसका पेट भर जाएगा। और ये चींटियाँ बनिया की दुकान में रहती हैं, जो चींटियाँ अनाज की दुकान में रहती हैं, अपने बिल में एक एक किलो अनाज इकट्ठा कर लेती हैं। खाना नहीं है मगर तृष्णा है, खाना नहीं है मगर तृष्णा है। तो तृष्णा कोई आज पहली बार नहीं हुई आपको कि ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ? किसी सामान की दुकान में कुछ खरीदने जाओ, एक की जगह 4 सामान खरीद के लाते हो, और मंदिर में जाओ 4 माला फेरनी हो तो 1 माला फेर के आते हो। बाहर के प्रति इतनी आसक्ति है और धर्म के प्रति कितनी विरक्ति है, जबकि होना चाहिए ये कि बाहर से विरक्ति और धर्म में आसक्ति। हो रहा है ये कि बाहर में आसक्ति और धर्म में विरक्ति। अब कल कितने लोगों ने लक्ष्मी की पूजा करी होगी? किसकी पूजा करी होगी? अरे बोलो ना, लक्ष्मी की पूजा करी होगी। अब ये लक्ष्मी तुम्हारे हाथ में है क्या? कितनी पूजा कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। लक्ष्मी किसके पास रहती है? पुण्यवान के पास। किसके पास रहती है? पुण्यवान के पास। पुण्य कहाँ से आता है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति से आता है, षट आवश्यक के पालन से आता है, संयम से आता है, तप से आता है और ध्यान से आता है। पुण्य आने के रास्ते ये हैं। हम सोचते लक्ष्मी की पूजा कर लो तो लक्ष्मी आ जाएगी, नहीं आएगी, हमने रास्ता गलत चुना है। कहते हैं ना, यदि गाय को कहीं ले जाना हो तो गाय को ले जाओगे बड़ी मुश्किल से जाएगी, उसका जो बछड़ा है ना छोटा वाला उसको पकड़ लो, वो आगे आगे चलता रहेगा और बिना गले में रस्सी बांधे गाय उसके पीछे पीछे दौड़ती रहेगी। ऐसे ही धर्मात्मा के पीछे पुण्य दौड़ता है। तुम ये सोचो वर्तमान में नहीं दौड़ रहा है तो वर्तमान की बात मत करो, पिछले कर्म है पूरे हो जाने दो, और धर्म करो निस्वार्थ रूप से करो, पूरी भक्ति के साथ करो, पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो, अपने आप आएगा। तुम धर्म तो करते नहीं हो और ऊपर से शिकायत भगवान से करते, भगवान उसको इतना दे दिया मुझे नहीं दिया, भगवान उसको ऐसा कर दिया मुझे नहीं किया, इतनी शिकायतें करते हो भगवान से, इतनी शिकायतें करते हो। शिकायत करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन कुछ करोगे तो कुछ मिलने वाला है। अब जैसे एक डब्बे में धन रखा है, नोट रखे हैं, आप निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, कभी तो डब्बा खाली होगा। और आप डालते भी जाओ और निकालते भी जाओ, आप डालते भी जाओ और निकालते भी जाओ, ऐसे ही धर्म पुण्य आप खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? इस समय सुख से बैठे हैं, इच्छा के अनुरूप सामग्री मिल गई है। किसके उदय में? पुण्य के उदय में। अब ये पुण्य के उदय में आप भोग तो कर रहे हैं लेकिन वर्तमान में नहीं कमा रहे हैं, तो डिब्बा एक दिन पुण्य का खाली हो जाएगा। इसलिए धर्म करते रहो करते रहो। जीवन के किस मोड़ पर ये धर्म हमारा कहाँ काम आ जाएगा पता नहीं चलेगा। इस नए पुराने के चक्कर में उलझ करके अपने दिमाग को ठंडा रखो। कभी कोई गिफ्ट देके जाता है और गिफ्ट पैक हो, कितनी आकुलता होती है देखने की, देखूँ तो क्या है, देखूँ तो क्या है। अरे कुछ नहीं है, वही पुरानी चीज़ है, या खाने पीने की होगी, या पहनने ओढ़ने की होगी, या लिखने पढ़ने की होगी, इससे ज़्यादा क्या दे सकता है वो तुम्हें? कोई स्वर्ग से लाके कोई चीज़ तो नहीं दे सकता ना। कितनी आकुलता रहती है, अरे देखूँ तो सही उसने क्या दिया है, वो उसके जाने का इंतजार रहता है, ये कब जाए और कब गिफ्ट खोलूँ, मैंने इसको ये दिया था पता नहीं इसने मुझे क्या दिया है। अब अगली बार मैं भी ऐसे विचार आने लगते हैं, ऐसे संस्कार पड़े हुए इन सब कामों के कि उसी में डूबे रहते हैं, आकंठ डूबे रहते हैं, धर्म की याद तो आती नहीं है। यदि नया कुछ करना है तो धर्म करो,
नया कुछ करना है तो ध्यान करो, नया कुछ करना है तो स्वाध्याय करो, और नया कुछ करना है तो अपनी आत्मा को जानो। दुनिया को तो अनादिकाल से जान रहे हैं, दुनिया को तो अनादिकाल से जान रहे हैं, नहीं जाना है तो आज तक अपनी आत्मा को नहीं जाना है। सबसे नया काम आपके जीवन में ये होगा, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और नए के प्रति आकुलता नहीं करने का बड़ा ही महत्व है। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, और तीर्थंकरों में महावीरा का बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और भगवान महावीर के अगला नाम सन्मति का बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, सिरदर्द में बाम का, और नामों में वर्धमान का बड़ा ही महत्व है। सब्जी में खीरा का, रखने में धीरा का, और भगवान महावीर के नामों में अतिवीरा का बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में सांत का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। रामगढ़, वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, और आने वालों में रामगढ़ का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुरका, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। अब तो हो गए सारे, कोई बचा तो नहीं? शामली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में शामली का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय।